विंडो में से दूर से नजर आता है ना, वो यहाँ से देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। वही ट्रीज के ऊपर स्नो के जो कैप बने हुए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब तो ने टोपी पहनी हुई, फ्रेंड्स ने भी टोपी पहनी है, उसने कैप पहना हुआ ट्री ने। इट्स नाइस। तो जब स्नो आती है तो गाड़ियों के साथ क्या होता है, गाड़ियाँ भी टोपियाँ और कंबल पहन लेती हैं, लेकिन बर्फ के बने हुए। इस तरीके से स्नो में कवर्ड हो जाते हैं। साइड वॉक तो आप देख रहे हैं कि साइड वॉक जो है वो साफ है, लेकिन ये देखिए स्नो, ठीक है। इस तरह से स्नो जो है वो हर चीज़ को कवर कर लेती है। तो फ्रेश जो स्नो होती है बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। और मैं बूट पहन के निकली, ठीक है। ये बूट पहने हैं जो जब मैं कनाडा गई थी तो मेरे पापा ने मुझे लेके दिए थे, स्नो के बूट्स हैं, क्योंकि कनाडा में ज़्यादा स्नो होती है। तो तैयार होके निकले, क्योंकि स्नो में वॉक तो करना था। ये कैसे हो सकता है कि स्नो आए और मैं बाहर नहीं आऊँ, ये तो नहीं हो सकता। तो हैवी बूट्स के साथ वॉक करें, इन्जॉय करें, और आपको भी दिखा देंगे। अगर अच्छी वीडियो बन गई तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। रास्ता साफ हो चुका है तो हम दरमियान में चल रहे हैं, लेकिन साइड्स पे आप देख रहे हैं कि स्नो जो है वो जहाँ जहाँ सॉल्ट डला होता है वहाँ वहाँ से स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है, और कुछ जो घर के मालिक होते हैं वो उसको कर देते हैं साइड पे। अच्छा, कपास के फूल आपको याद आएंगे इसको देख के, ये देखें, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कपास के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती। ये आइस जो होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, इसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। गाड़ी बेचारी ठिठरी हुई है, किसी ने उसको साफ़ करने की ट्राई की है, काफ़ी हद तक उसको साफ़ कर लिया, इसको भी साफ़ नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि ये अभी तक कवर्ड है, ऐसे जो सफाई है वो जल्दी हो जाती है। प्यारा सा इस तरह कवर्ड नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये स्कूल का एरिया है, स्कूल के एरिया को साफ जो है वो जल्दी कर दिया जाता है। तो जो साइड वॉक्स होते हैं, साइड वॉक्स का ये हाल होता है, यहाँ पे तेज़ ठंडी हवा बर्फ़बारी आ रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हाथ जो हैं वो जम रहे हैं। लेकिन ये देखें, तो डर के उड़ ही गए वो, क्या कर सकते हैं, वापस आ गए। अच्छा, ये जो साइड मैं वॉक कर रही हूँ इसमें, ठीक है, अगर मैं वॉक करूँगी यहाँ पे, यहाँ से स्लिपरी हो सकता है। ये सॉफ्ट आइस है, सॉफ्ट बर्फ है, भी इसमें हम सारी जो वॉक कर सकते हैं। इधर से मैं जाऊँगी साइड से, ओके, साइड से जाना। अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी
नमक कैसा होता है, ये छोटे छोटे वाइट डॉट्स जो हैं ये सॉल्ट उन्होंने डाला हुआ है, तो इस सॉल्ट से जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है। ये एक कैट है, काफी अभी तो इधर ही है, ये भी सही बात है। स्नो कैप पहने हुए एंड द बर्ड्स आर सो हैप्पी, बर्ड्स कितने खुश हैं। बर्ड्स स्नो मेल्ट होती है ना तो उसके ना बन जाते हैं आइसिकल्स बन जाते हैं, पता नहीं शायद आपको नज़र आ जाए यहाँ से, लाइट करके दिखाती हूँ। इस खिड़की के ऊपर वहाँ पे आइसिकल्स रखे हुए हैं, उधर आगे चले जाते हैं फिर वहाँ से टर्न हो जाएंगे। हाँ जी, कुर्सियों पे तशरीफ रखनी है अगर किसी ने, तो वो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं आप कुर्सियों के ऊपर बैठ जाएं, लेकिन आपको तशरीफ जो है वो आइस के अंदर रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि आपकी तशरीफ भी जो है वो फ्रीज हो जाएगी। पता नहीं बड़ा क्यों हो गया, छोटा होना चाहिए इसको। अच्छा खूबसूरत दरख्त है सामने, प्यारा लग रहा है। इनका तो सारा सीन ही जो है ना वो स्नो में कवर्ड है, अच्छा लग रहा है। दरख्त जो है वो कवर हुए हुए स्नो में, स्नो उड़ रही है, इट्स जस्ट स्नो इज ब्लोइंग। देख देखने क्या देखो, ये पानी है, कहाँ पे ये सॉल्ट ओवर हियर, भी पार्क है। ओके केयरफुल वॉकिंग हियर, वॉक तो वॉक होती है और पार्क पार्क होता है। खूबसूरत पार्क, आइस कवर्ड है हर चीज, ये स्नो में खेलो, स्नो में खेलो, स्नो में खेलो, दरख्तों से उड़ उड़ के स्नो नीचे गिर रही है।
उड़ रही है। ये स्नो ही स्नो है, कहाँ तक मेरा पहुँच जा रहा है वो देखें। ठीक है, ये देखें, कैसा इतना वीरान पड़ा हुआ है ना। जी सूरज भी निकला हुआ है, स्नो भी आ रही है। मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है मंजर, इसलिए मैं तो बाहर हूँ, इंजॉय कर रही हूँ स्नो को और वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, तो आप भी देखिएगा। ये वही पार्क है जहाँ हम आया करते हैं।